तुम्हें कहा था ना आगे देख के चल रहा हूँ, नहीं चल सकती। जब भी मैं कुछ कहूँ कभी नहीं सुनना है तुम्हें। मैंने कहा प्यार करता हूँ तो नहीं, नहीं सुनना है। कहा कहते हैं ना कि प्यार मोहब्बत में सब कुछ बड़ी मुश्किल से मिलता है, और लगता है कि जो फाइनली दूसरे को आपने इकरार किया है इसके पीछे बहुत पसीना बहाना पड़ा। 200 एपिसोड लग गए इसके पीछे, 200 एपिसोड बाद कायरा का मिलन हुआ है। फाइनली देयर इज अ प्रॉपर कायरा मिलन इन कायरा मिलन फैशन, जो जहां वो लड़ते झगड़ते सिचुएशन से जूझते हुए जंगलों में जाकर फाइनली अपने प्यार का इजहार करते हैं। एंड यस, जो मिलन होता है उसे टाइम लगता है, अगर जब वो सच्चा हो तो वही हो। प्यार बड़ा मुश्किल सा होता है, भले मतलब बहुत सारे टेस्ट हुए हैं और बहुत भागन दौड़ भी हुई है आपकी, बड़ी मुश्किल से पाया अपने आप में प्यार को। बिल्कुल, क्योंकि कार्तिक मुझसे बहुत बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, मानने वाले कुछ नहीं थे। मैं थक गई थी, मैं मना मना के 100 तरीके आजमा चुकी थी, कभी पेबल से आई एम सॉरी लिख के, कभी कीचेन दे के, क्या कुछ नहीं किया मैंने इन्हें मनाने के लिए, लेकिन ये नहीं माने। तो फाइनली मैं कार्तिक गुंडों से बचाने आई थी, बचा नहीं पाई। एक्चुअली दोनों ने हमें ही पकड़, गुंडों ने हम दोनों को ही पकड़ लिया था, पर फाइनली हम लोग उनको चकमा देके वहाँ से भाग जाते हैं। एंड जैसे हमेशा देखा कि रब ने बना दी जोड़ी है, लेकिन ये गुंडों ने बना दी जोड़ी है, ऐसा कुछ ये हाँ ये गुंडों ने हमारी जोड़ी नहीं, ये गायू ने बना दी जोड़ी समवेयर आल्सो राइट। गायू का एक तो तरीके से प्लान होता है कि जो मेरे दो छोटे भाई है लव और कुश, उनको वो दूसरे कार में भगा देती है, और वो नायरा को बेचती है कि जो धागा जो तुम्हारी दादी ने कार्तिक के दादी ने बांधा वो गिर गया है। हाँ, वो मुझे बोलती है कि मैंने लव कुश को इसलिए कार में भेजा जिससे तुम दोनों अकेले में बात कर सको। थैंक यू सो मच।